बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। बाहर माशाल्लाह मौसम इस वक्त काफ़ी खूबसूरत है और आप भाइयों को शायद कुछ यहाँ पर लाइव साउंड भी सुनाई देता रखे बादलों के गर्जने का। तो माशाल्लाह मौसम बहुत खूबसूरत है। बहरहाल बात कर लेते हैं न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ ये है कि जो मेरे भाई छुट्टी के ऊपर इकामा यानी कि जिनका इकामा वगैरह खरूजा के ऊपर छुट्टी के ऊपर यहाँ सऊदी अरब से गए हुए थे, तो अभी तक आपको पता है फ्लैट्स नहीं खोली गई हैं जिन बंदों ने पाकिस्तान या यहाँ से या पाकिस्तान से दो डोज कंप्लीट की हुई हैं। तो वैसे वैक्सीन तो सभी मेरे भाई कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल जी बात यह है कि अगर आपका अभी तक इकामा या छुट्टी नहीं बढ़े हैं, यहाँ पर मैं अभी आपको वो चलाकर दिखा भी रखा हूँ। ये एक ट्वीट की गई थी जवाजात, सऊदी जवाजात की तरफ से। ये इनका कन्फर्म इनका ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर 12 इस ट्वीट के मुतल्लिक तो मैं आपके साथ अलहदा से वीडियो शेयर करूंगा इंशाल्लाह। वो भी आप भाइयों को यानी कि जो गैर मुकीम यहाँ पर हम मुकीम हैं, हमारे काफ़ी काम की वीडियो है। इसके नीचे कमेंट देख लें कितने आए हुए हैं जी। इसके नीचे बहुत सारे कमेंटों में यही कहा जा रखा था जवाजात से कि मेरी छुट्टी, मेरा वीज़ा, मेरा इकामा अभी तक एक्सटेंड नहीं हुए हैं, अभी तक बढ़े नहीं हैं यानी खरूजा वगैरह, तो इसका कोई हल बता दें, इसको बढ़ा दें। तो जवाजात इसके मुतलक भाई यही बता रही है यानी कि वही ट्वीट उनको दिखा रही है जो शाह सलमान का हुक्म जारी किया गया था यानी कि 11वें माह की 30 तारीख तक जो आपके इकामे छुट्टी वगैरह खरूज उदा वगैरह बढ़ाया गया है जिनमें विजिट वीजा फैमिली वीजा वगैरह भी आते हैं। तो भाई बहुत से भाइयों के अभी तक नहीं बढ़े हैं। बात तो ये है ना कि इसका हल क्या है, इसके मतलब तो आपको पता है जी शाह सलमान का हुक्म जारी हो चुका है और इन बंदों के अभी तक इकामे नहीं बढ़े हैं, तो इसका हल क्या है? इसका हल भाई ये है कि मैं जब आपके साथ मैंने गारमन 20 दिन या 15 दिन पहले एक वीडियो शेयर की है लाइव मकतब से जत्ता बड़ी मालक में बैठे हुए, उसमें क्या था भाई मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आप लाजम उस मकतब में जत्ता बड़ी मालक में ना जाइए। आप सऊदी अरब किसी भी शहर में आपका कोई दोस्त रखता है, भाई रखता है, आप अपनी कंपनी से अपने कफील से बोल दें, कंपनी से बोल दें, कफील से बोलते हैं डायरेक्ट जवाजा चला जाए, तब आपका भाई इकामा छुट्टी वगैरह बढ़ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट फ्लैट्स भी जल्द बहाल होने की तवक्का की जा रही है। तो अभी से यह काम कर लें। अगर आपका भाई कोई कंपनी या कफील वगैरह को आप नहीं बोल सकते तो आप किसी दोस्त को, किसी भाई को बोलें कि भाई जवाजात चला जाए। अगर वो बोलता है जवाजात नहीं जा सकता तो फिर किसी मकतब में चला जाए। मकतब वाले भाई 400 रियाल मांग रहा था वो बंदा हमसे उस टाइम, एक बंदे का इकामा बढ़ा यानी कि 11वें माह की 30 तारीख तक इकामे बढ़े हुए हैं ना, वो बोल रहा था 400 रियाल लूंगा, 11वें माह की 30 तारीख तक इस बंदे का इकामा बढ़ा दूंगा। यानी कि उन लोगों ने भाई मंदूब रखे होते हैं आगे जवाजात जाने के लिए, वो काम करवा देते हैं। आपका लीगल तो आपका बढ़ चुका है लेकिन अपडेट नहीं हो रखा है, मसला ये। और बहुत से भाइयों का अभी 7वें माह की 31 तारीख के ऊपर रुका हुआ है और बहुत सो के भाई अभी 9वें माह की 30 तारीख तक थे जो कि गुजर चुकी है। तो भाई आपका यानी कि अपडेट करवाना है जो कि नहीं हो रखा है। तो वो 400 रियाल मकतब वाला मांग रहा था हमसे कि 400 रियाल दे दो, हम आपका इकामा और छुट्टी 11वें माह की 30 तारीख तक बढ़ा देंगे, जवाजात जाएगा हमारा मंदूब। तो आपका कोई दोस्त, आपका भाई, आप किसी कंपनी को, किसी कफील को बोलकर भाई अभी से बढ़ा लें, यही बेहतर है आपके लिए। अभी इंटरेस्ट फ्लैट्स बहाल होने की और बादलों के गर्द का साउंड भी सुन लें, तो पक्का की जा रही है, तो बाद में आपके लिए मुश्किल होगी फिर।